नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। 1857 की क्रांति के नायक अमर शहीद भागीरथ सिलावट की 165वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को नगर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हुए। संस्था प्रयास के सुधांशु सोलंकी ने बताया कि संस्था के सदस्यों द्वारा सुबह दीपालपुर नगर के चमन चौराहे पर शहीद प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। संस्था प्रयास द्वारा लगातार कई वर्षों से नगर में देपालपुर के गौरव अमर शहीद भागीरथ जी सिलावट की पुण्यतिथि का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में भी संस्था प्रयास द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया जाता था, परंतु अभी कोरोना काल और अन्य परिस्थितियों के कारण दुग्ध अभिषेक व माल्यार्पण का कार्यक्रम हर वर्ष किया जा रहा है। तो आज भी संस्था के सदस्यों द्वारा और छात्र साथियों के साथ हमने भागीरथ जी सिलावट की मूर्ति पर दुग्ध अभिषेक किया व रक्षा सूत्र बांध कर माल्यार्पण किया। इंदौर की जूनी इंदौर पुलिस ने एक बॉडी बिल्डर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 4 साल पहले मिस्टर इंदौर भी रह चुका है, जो भवरकुआ इलाके में एक बालाजी जिम संचालित करता है। आरोपी ने कई जगह से वाहन चोरी करना कबूल किया है। हाँ, आज मुखबिर सूचना मिली थी, आज सुबह सूचना मिली 23 तारीख को कि एक बंदा है, एक लड़का है, माणिकवा ब्रिज के पास कोई एक्टिवा लेकर खड़ा है और आने वाले लोगों को पूछताछ कर रहा है कि वो बेचना है कम भाव पे। तो इसमें अपन बल के साथ और सभी के साथ गए और वहाँ पे देखा तो वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा। और पूछताछ के दौरान वो जिम संचालक है, अभिषेक पवार नाम है, और उससे 4 गाड़ियाँ जब्त हुई और 1 गाड़ी उसने बेची थी उसके यहाँ जिम करने वाले लड़के को, चंदन यादव को, उससे भी 1 गाड़ी जब्त हुई। इंदौर की महिला थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति द्वारा 30 लाख रुपए दहेज मांगने के आरोप में सास ससुर सहित पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। एक महिला के द्वारा अपने पति भावेन भावसार, सास उषावेन भावसार, ससुर पंकज भावसार के विरुद्ध अपराध दर्ज कराया गया है, दहेज प्रताड़ना का। उसकी शादी हुई थी 2016 में, उसको एक बेटा भी है महिला को। इसके बाद ससुराल में लगातार उसको शारीरिक मानसिक रूप से पति सास ससुर प्रताड़ना देते रहे हैं, मारपीट करते रहे, गाली गुप्ता बुरी बुरी करते रहे उसके साथ में हैं। 30 लाख रुपए दहेज की उससे मांग करते हैं, है ना। उसने अपना घर बसाने का अभी तक बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं समझ रहे हैं, उसको प्रताड़ना करते हैं। तो उसने महिला थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई, अपराध दर्ज कराया उन लोगों के खिलाफ। अनाभेदक पक्षी व आरोपी पर अहमदाबाद का रहने वाला है, महिला का मायका इंदौर में है, क्योंकि उसको अधिकार उसने इसलिए दर्ज कराया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।